आज की कहानी का शीर्षक है संगीत गधा। एक बार एक धोबी और एक गधा रहता था। गधा दिन में धोबी के लिए अपनी पीठ पर भार उठा लेता था। धोबी ने रात में गधे को घास खाने के लिए भी आजाद कर दिया। हालांकि गधा आस पास के खेतों की सब्जी खाता था। एक दिन खेत में भटकते समय गधा एक सियार से मिला। वे दोनों दोस्त बन गए। रात में दोनों एक साथ खाना खाते थे। वे हर रात मिलने लगे। गधा भोर तक घर वापस आ जाता। एक दिन सियार ने गधे से कहा, चाचा मुझे यहाँ कुछ ही दूरी पर ताजे रसीले खीरे से भरा खेत मिला है। यह आपके लिए भी किसी स्वादिष्ट डिनर से कम नहीं होगा। मुझे यकीन है कि मैं वहाँ अपने लिए भी कुछ जानवर ढूंढ लूँगा। चलो आज रात वहाँ चलते हैं। गधा उसकी बात को मान गया। वे दोनों खेत चले गए। गधे ने पूरा खाना खा लिया और कहा, भतीजा आज मैं बहुत खुश हूँ। पूर्णिमा को देखो, ये बहुत सुंदर है और मुझे गाने के लिए प्रेरित करता है। सियार ने उससे कहा, चाचा हम यहाँ दूसरे के खेत में खाना खा रहे हैं। अगर तुम गाओगे तो वे तुम्हें सुनेंगे और हम पकड़े जाएंगे। गायन के बारे में भूल जाना बेहतर है। गधा नाराज हो गया और कहा, तुम जैसा जंगली जानवर संगीत की सराहना नहीं कर सकता। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली संगीत कैसा दिखता है। सियान ने देखा कि गधा गाना निश्चित है। गधा अब हर हाल में संगीत गाएगा। तो उसने उससे कहा, यदि वह सचमुच गाना चाहता है तो उसे जाने दे और झाड़ियों में छिप जाए ताकि वह किसानों को नजर न आ सके। इतना कहकर सियार झाड़ियों की ओर भागा। गधे ने अपना मुंह चांद की ओर उठा लिया और गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। वे लाठियों के साथ आए और उस गधे को खूब पीटा और उसके शरीर को काला और नीला कर दिया। जैसे ही घायल गधा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खेत से बाहर चला गया, सियार अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और हंसा। चाचा आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि किसानों ने भी आपको पुरस्कृत किया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, आप जो भी कुछ कर सकते हैं उसके लिए एक समय और एक स्थान होता है।